सर्दियों के कपड़ों को सुखाने का समय आ चुका है और मैंने भी सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, जिसमें मैंने देखा है दोस्तों कि मेरी एक अच्छी खासी जैकेट की जिप टूट चुकी है। और जब जिप टूट जाती है तो उसके बाद उसको पूरा तरीके से रिपेयर करना पड़ता है, पूरी जिप चेंज करनी पड़ती है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी जिप को घर पे ही रिपेयर कर सकते हो बिना उसकी चेन को चेंज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जैकेट है और जैकेट में नीचे के हिस्से पे जहाँ पे से लॉक लगता है वो वाला हिस्सा इसका टूट चुका है, जो प्लास्टिक सा आपको नज़र आता है या मेटल का नज़र आता है, जिप के साथ अटैच्ड होता है, वो टूट चुका है। इसको रिपेयर करने के लिए आप कोई भी पाइप ले सकते हैं, प्लास्टिक पाइप आता है, स्ट्रॉ पाइप आता है, वो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई थिक सा प्लास्टिक का टुकड़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको छोटा सा चकोर टुकड़ा चाहिए, उसको आपको डबल फोल्ड करना है कि जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मोटा हो और थिक हो। इस तरीके से जब आप इसे डबल फोल्ड करेंगे दोस्तों और अच्छे से उसे दबा दें कि ये काफ़ी थिक और एकदम जैसे प्लेट टाइप का होता है ना, सिंपल वैसे बन जाए। अब आपको क्या करना है, ग्लू गन की हेल्प से नीचे वाले पोर्शन में ग्लू लगा लेना है आपको। ग्लू गन वाला ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों। उसके बाद जो हमने प्लास्टिक का रैपर था जिसे हमने फोल्ड करा था, उसे आपको इस तरीके से एक साइड से चिपका देना है। जब आप इसे एक साइड से चिपका देंगे दोस्तों, थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब बैक साइड से भी आपको दोबारा से ग्लू लगाना है। अगर ग्लू गन नहीं है आपके पास तो जो हैवी मेटल वगैरह को पेस्ट करने के लिए ग्लू आता है या स्लीपर्स को चिपकाने के लिए ग्लू आता है, वो आप ले सकते हैं। और थोड़ी देर इस पे लगाने के बाद भी आपको इसे थोड़ी देर दबा के रखना है। दबा के रखने से ये प्लास्टिक के साथ आराम से चिपक जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से चिपक चुका है। अब आपको क्या करना है, प्लास की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा टाइट और कर देना है कि पीछे से एकदम सटीक बैठ जाए। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। नीचे से भी हम इसको एकदम कॉर्नर को टाइट कर लेंगे कि लॉक हो जाइए। तो ये देखिए ये पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है जिप। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो एक्स्ट्रा लेयर है इसकी, उसे आपको कैंची से कट कर लेना है कि इससे एक अच्छी सी फिनिशिंग इसके अंदर आए। तो देखिए ये पोर्शन भी अच्छे से लॉक हो चुका है, टाइट हो चुका है। एक्स्ट्रा लेयर हमने सीज़र से कट कर ली है। अगर हम मार्केट से जिप भी चेंज करवाते हैं, कभी कभी सेम कलर की जिप नहीं मिल पाती जिससे जैकेट और ख़राब लगने लगती है। तो ये देखिए उसके बाद जब आप जिप लगाएंगे तो आपकी जिप आराम से लगने लगेगी दोस्तों, है ना। ये वाली टिप्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की, तो आप भी इस टिप को फॉलो करके अपनी जैकेट को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप बच्चों की जैकेट्स हो गई, अपनी जैकेट्स हो गई, या आपके पास बैग हैं जिनकी चेन ख़राब हो चुकी है, उन्हें एक बार चेक करके इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही बिना किसी पैसे खर्च करे। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों।